खाद की परेशानी है, लेकिन खाद की परेशानी अब धीरे धीरे दूर हो रही है। परेशानी का कारण सभी जानते हैं, इतनी बड़ी जो वैश्विक महामारी आई थी, तो देश कैसे उसका सामना किया, उभर पाया, तो उसके कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयां पैदा हुई जो आज भी उनका सामना करना पड़ रहा है। उन कठिनाइयों से आज भी मुक्ति नहीं मिली है। रेल बंद हो गया, रेल आज भी नियमित रूप से नहीं चल रही है। रेल आज भी बाधित है, रेगुलर रेल सेवा बंद है। उसी तरह से विदेशों से आवाजाही में जो हवाई यात्रा थी वह तो बंद हुई ही, और शिपिंग भी बंद हो गया, जहाज भी बंद हो गया, और जो खाद हमें चाहिए आज DAP, इस बात को भी जानना जरूरी है कि उसका 60% हिस्सा DAP का वो इंपोर्ट होता है, आयात होता है, तो विदेशों से भी आवक बंद होने का और जितना हमसे एग्रीमेंट हुआ है देने का, उसको लेने का, उसमें भी बाधा पड़ी, उन देशों में भी परेशानी हुई है उत्पादन की, तो उसके कारण कठिनाई पैदा हुई है। और जहाजों का नियमित रूप से आवाजाही पर जो व्यवधान खड़ा हुआ है वो है अभी। सर, पिछले 4 महीने से पूर्व में भी, 4 महीने पूर्व भी आपने यही बातें कही थी कि परेशानी है, कोरोना काल की वजह से शॉर्टेज हुए हैं, लेकिन इन 4 महीने तो बात है, वो तो कहेंगे ना हम, आपको आपके 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 सवाल से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। सवाल तो है ही है, मैंने कोई बटन दबा के हो जाएगा क्या? इस बात को समझने की आवश्यकता है, संजीदगी के साथ, संवेदना के साथ। खाद लाइए, खाद कहां से आएगा? खाद तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि खाद नहीं आ रहा, जिस रूप में प्रकट किया जा रहा है उस तरह की कमी भी नहीं है, लेकिन अपने देश में जिस प्रकार से किसी बात के लिए शोर मचता है, हम कैसे लड़ेंगे? बड़ी लड़ाई अगर हो जाए देश में और कोई चीज की कमी हो जाए, तब तो हम प्राण दे देंगे और कहेंगे लड़ाई बंद करो, सेना को पीछे लाओ, हमको लड़ना पड़ेगा ना, हम लड़ रहे हैं, हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि किसानों के फाइनल यील्ड में, जो फाइनल उत्पादन जो है किसानों का, जो अंतिम उत्पादन है किसानों का, उसमें कहीं कमी होने दें। भारत सरकार खड़ी है, खाद हमारे यहाँ नहीं होता, केंद्र से मिलता है, इस बात को पूरे तौर पर जानिए कि एक छटाक खाद हमारे यहाँ नहीं होता, केंद्र सरकार देता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।